कहते हैं पुलिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा पता लग गया, वो लड़ने में लगे हुए हैं। इतनी ह्यूज यॉट्स क्या कितने करोड़ रुपए की होंगी ये? नो स्पीड लिमिट ओवर हियर, जितनी बगानी है उतनी बगाओ। मन तो मेरा कर रहा है कि फोर्स निकाल लूँ ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे एक सीन हो गया और यहाँ पे लॉबस्टर्स पड़े हैं, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो यार आज मैं हूँ ऑटोबाइन हाईवे पे जर्मनी में, और अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल जर्मनी छोड़ करके एयरपोर्ट म्यूनिक में था मैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और जाते जाते ऑटोबाइन का एक्सपीरियंस भी ले लिया। यहाँ पे नो स्पीड लिमिट है हाईवेज में, हाईवे से क्या पूरा सीन है, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो भी देखो। Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो ये देखो यहाँ पे अभी चल रही है गाड़ी हमारी, अभी चल रही है 150 पे, नो स्पीड लिमिट ओवर हेयर, जितनी भगानी है उतनी भगाओ, क्या बात है। 10,000 रुपये की कैब हुई है वो भाई, 10,000 रुपये की कैब एयरपोर्ट तक की। तो मेरी जो फ्लाइट है वो है स्पेन की बार्सिलोना। पहले मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगा पोलैंड वॉर्सो, बट देन आई ड्रॉप किया स्पेन चलते हैं बार्सिलोना, मामू ने भी बोला था। तो ये व्यूलिंग के मैंने फ्लाइट ली है, यहाँ पे भाई बहुत पंगे हैं बैगेज को लेकर, क्या क्योंकि एक बैग फालतू है ना तो उसके लिए भी पंगा है। तो मैंने क्या करा, छुपा के ना बैग सिंदर रख दिया था, ये दो बैग बने हुए हैं लेकिन किसी को पता नहीं है, ठीक है पैसे बचे हुए हैं। आंटी बहुत तेज पिक्चर निकली वहाँ पे, मुझे कहती है आपने बैग रखा हुआ, मुझे पता है। ठीक है भाई, कह रहे हैं आपसे वैसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे रहा, हम लेते हैं। बहुत तेज पिक्चर निकली आंटी, गाइज ये इनका एयरपोर्ट है, इतना अजीब सा छोटा सा लग रहा है मेरे को तो, लेकिन एक बात सही है कि बियर हर जगह है, जहाँ भी जाओ बियर पियो बस। ब्रेकफास्ट में ये लोग ये खाते हैं प्रेट्ज़ल बेगल या सैंडविचेस, ये सैंडविच कितने सही लग रहे हैं ना, मैं भी खा रहा हूँ प्रेट्ज़ल यहाँ पे। और पता क्या होता है, जैसे हमारी वो नहीं होती ठंडी पेस्ट्रीज ठंडी पफ्स, वैसा ही होता है सेम, बस को प्रेट्ज़ल बोलते हैं यहाँ पे। यार ये लोग मुँह खोल के कुछ होते हैं। ये मेरी अब 8th कंट्री होने वाली है पूरे यूरोप में, और इससे पहले यार मैं सारी इंस्टाग्राम वगैरह पर डाल रहा हूँ स्टोरीज वगैरह, अगर मैं फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पर तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे जो व्लॉग्स वगैरह यूट्यूब पे ना थोड़े लेट आते हैं इंस्टाग्राम में, आप लोगों को सबसे पहले अपडेट्स मिल जाते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन कौन से नीम वगैरह डालता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। तो मेक श्योर टू फॉलो मी ओवर देयर। और जो फ्लाइट है वो 2 घंटे की है, फिर मैं कल जाऊँगा कोस्टा ब्रावा, मतलब ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली जो पूरी फील्ड है ना वो कम्प्लीट करने वाला हूँ मैं स्पेन जा करके, मज़ा ही आ जाएगा। मामू ने पूरा कहा था कि स्पेन जाइए ज़रूर, स्पेन स्पेन लास्ट टाइम रह गया था, मैंने बोला इस बार जरूर करेंगे। ये टाइम ना वैसे स्नो गिरने का है लेकिन बारिश हो रही है, ये तो यहाँ पे पूरी स्नो ही स्नो होती है, क्या यार जब भी मैं यूरोप आया हूँ स्नो ही नहीं मिल रही मेरे को, सीटों में लेग स्पेस नहीं है, ऐसे एक रियान एयर होती है ना वैसी ही है, यह व्यूलिंग एयरवेज है, मेरा पहली बार है इसके अंदर। ये लोग इतनी ज़्यादा हरकतें कर रहे हैं, बैगेज कितना किलो का है, मतलब लिटरली सब कुछ देख रहे हैं, और जो बैग है वो अंडर सीट जाएगा, ऊपर रखना ऊपर रखना तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस है। भैया की हाइट 7 फुट है क्या? चीपेस्ट एयरलाइन है ना ये, अब समझ आ गया क्यों, बस 2 घंटे की बात है, बैग नीचे रखते होगी ऊपर सबके केबिन बैग आए हैं। दे ऑल्सो हैव बियर ऑन देयर फ्लाइट, माहू इनकी लोकल बियर है स्पेनिश। गाइज ये स्विस एल्प्स हैं सारे, और पूरे के पूरे बर्फ में कवर्ड है। नाउ आई विल सी यू गाइज इन स्पेन बार्सिलोना, 1, 2 and 3 एंड वी आर हियर इन स्पेन गाइज बार्सिलोना। बढ़िया, मतलब यहाँ थोड़ी गर्मी भी है, टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, वहाँ तो बहुत सही है बिकॉज यहाँ पे बीच है ना तो कोस्ट लाइन पे है, पता लग रहा है लेजिट की गर्मी है यहाँ पे। यहाँ पे व्यूलिंग इनकी प्लेन सर्विस है स्पेन की, तीनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, नहीं तो यूरोप में मोस्टली नहीं लिखा होता ऐसे एग्जिट, ये तो ऐसे ही लिख देते हैं अपनी भाषा में कि इधर जाओ। यहाँ पे जो राइन्स हैं लिकर्स हैं वो एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, जबकि दुबई एयरपोर्ट पर भी ये मिलती हैं और कुछ एयरपोर्ट पर भी थी, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव है। सेम चीज़ मेरे को ढूंढ रहा था लीची रम, हमन भाई कह रहे थे लीची रम ले आइए, और मिल गई। तो जो मेरा होटल है वो है कॉलोनियल बार्सिलोना, तो वहाँ मेरे को जाना है, और यहाँ से है 25 मिनट की ड्राइव, ऑल दो यहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं होता और समुंदर का पूरा व्यू आएगा राइट साइड मेरे, और यहाँ जो टैक्सी है सस्ती है। डन, थैंक यू। स्टार्ट हुआ फिर 2.5 यूरो से, अब देखते हैं होटल तक कितने बनते हैं, बिकॉज ऊबर वॉज शोइंग ये 30 यूरोस के आसपास, 3,000 के आसपास। रोज तो यहाँ की हैं बढ़िया, ये एयरपोर्ट राइट साइड में, वहाँ देखो प्राइम एयर खड़ा हुआ है अमेजोन का प्लेन, कितना ह्यूज पोर्ट है इन लोगों का, ये आई थिंक यॉट माल्टा से आई हुई है और वो प्लेन जा रहा है। आते मेरे को रूम मिल गया, और यहाँ पे ये देखो इनका लगा हुआ है ऐसे वेंडिंग मशीन, और यहाँ पे एक ड्रिंक है माहू, तो वो ट्राई करेंगे। ये मेरे को रूम मिला है 21,000 रुपये खर्च करने के बाद, और ऐसे व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ओ भाई
ये क्या है? तो कहता अच्छा व्यू है भाई, ये तो होटल का ही व्यू दे दिया इसने मेरे को, कह रहा अच्छा है। यहाँ पे आकर के मैंने होटल में रेस्ट करा, अभी 2 घंटे नहाया धोया, उसके बाद दोबारा भी कपड़े पहन लिए और अब निकल रहा हूँ। मैंने ब्लॉग की एडिटिंग भी कर ली एक, और अब फाइनली बीच पे जाते हैं और जाके एक्सप्लोर करते हैं सिटी कैसी है। सो दिस इज बार्सिलोना। क्या लग रहा है सच में, सामने एक सुपर मार्केट है। धूप बहुत तेज की है यहाँ पे और थोड़ी सी यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है। बाकी अभी मैंने 2 लैम्बोर्गिनी के नीचे देख ली, यहाँ पे सुपर बाइक्स भी बहुत है और यहाँ पे यॉट्स का भी वॉच होगा। इतनी बड़ी बड़ी यॉट्स है मेरे सामने, दिखाता हूँ यार, इतनी ह्यूज यॉट्स, क्या कितने करोड़ रुपए की होंगी ये देखना तेरा। और एक नहीं कितनी दसों ही खड़ी हुई है इसके पीछे, इसके पीछे। ये विंटर मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, शाम को तो यहाँ पे भीड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा। मैं भी बीच पे जा रहा हूँ, समवेयर उधर है, सारे फेमस रेस्टोरेंट यहीं पर हैं। इसको बोलते हैं कैटालोनिया प्लेस को, ये मेट सेंटर है, मतलब मेट सेंटर है इसका। सारी यॉट्स यहाँ खड़ी हैं, आई थिंक यहाँ पे और ट्रेंड भी कर सकते हैं अगर करनी हो। और सामने वो देख रहे हो वो चल रही है ट्रॉली। जो यहाँ का लोकल फूड है वो है प्रॉन्स, प्रॉन्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्नेल्स विद माहू बियर। और ये मैंने भी इसको गूगल किया था, मुझे ये पता लगा यहाँ पे गर्मी रहती है और यहाँ का जो है ना फेमस टमाटीना फेस्टिवल जो सीविया में होता है या बुनियोल में, हाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से हर कुछ याद आ रहा है। तो सीविया में स्काई डाइविंग होती है जो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये कुछ की होती है, लेकिन उसके अंदर अगर कुछ ये सेल्फ इंस्ट्रक्टर भी तो फिर वो 1.5-2 लाख तक पहुंच जाती है। बाइकर्स बहुत है यहाँ पे, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे रेंटल कार पे, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी पोर्श 992 है, तो इसके मेरे को बता रहे हैं ये पूरी प्राइसिंग है। एंड मैं सोच रहा हूँ कि पूरा टूर करते हैं 40 मिनट्स का, 20,000 रुपये का पड़ेगा ये। उसमें लैम्बोर्गिनी भी है इनके पास में, बट मेरे को लैम्बोर्गिनी नहीं चाहिए, मेरे को पोर्श चाहिए 992। ये तो बहुत चला ली ना, मन तो मेरा कर रहा है कि पोर्श निकाल लूँ ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे एक सीन हो गया कि मैं जान के भी चप्पलें पहन कर आया हूँ, जो इनको मैंने बता रहा था कि मैं भी जा रहा था सीधा बीच पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि चप्पल में यहाँ पे ड्राइव करना अलाउड नहीं है, तो कह रहे हैं शूज़ खरीद लो। अब शूज़ पहनने के लिए यार दोबारा जाना पड़ेगा 20 मिनट दूर, फिर दोबारा आना पड़ेगा 20 मिनट, यहाँ वो टाइम ही नहीं है इतना मेरे पास, लेकिन देखने का उसको भाई क्या, मुझे इतना ज़्यादा मन कर रहा चला लूँ उसको बस। 1 आवर लेटर गाड़ी का क्या सीन बना वो देखना नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, मैं अभी कुछ नहीं बता रहा। इस ब्लॉग के आउटरों के बाद में शायद कुछ क्लिप डालू तो बात अलग है, वैसे कुछ नहीं बता रहा। ये एक सी फूड रेस्टोरेंट है और यहाँ पे लॉबस्टर्स पड़े हैं, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, वो चूज़ करो अंदर जाकर के, यहाँ का सी फूड बहुत फेमस है। ये है यहाँ का बीच, इसके लिए मैं आपके बात कर रहा था ना कि स्पेन जाऊँगा तो बीच ज़रूर देखूँगा, इसलिए मैं चप्पल पहन कर आया था, बस यहाँ पे जूते पहनने का कोई पॉइंट नहीं है। बीच देखो तरह खाली पड़ा है, लेजिट कोई भीड़ नहीं कुछ नहीं। मेरे को इन्होंने यहाँ पे 2 ड्रिंक दे दी, कहते आप इंडियन हो, मैंने बोला हाँ, कह रहे मैं भी, और बढ़िया यार लेके चले गए 2 ड्रिंक्स। इंडियन का भाई दिल बहुत बड़ा होता है यार, लिटरली मान गया, बाहर आया था और ये 2 ड्रिंक दे गए मेरे को। गाइस यहाँ का जो वाइब है वो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को एक्चुअली पता था बिल्कुल शांत शांत सी जगह है। मेरे को एक कॉमेंट आया था वीडियो पर थोड़े दिन पहले कि यार आप सोलो ट्रैवल क्यों करते हो, भाई सीन ये होता है कि अगर मैं किसी और के साथ ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को कोई बंदा बोलता है मेरे को यहाँ जाना है, और उसको मैं बोलता हूँ मेरे को जाना है बीच पे, तो बात है ना बैठ नहीं पाती और बाद में कोई थोड़ी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो जाए, इससे अच्छा ट्रैवल करो सोलो और या पापा मम्मी के साथ, बस सबसे बेस्ट है वो। यहाँ पे इंडियंस बहुत हैं, जो स्टोर था ये भी इंडियन का था किसी के। थोड़े दिन पहले यहाँ पे ना आ रखी थी लैम्बोर्गिनी वाली यॉट, मुझे किसी ने बताया यहाँ पे लैम्बो वाली यॉट पार्क थी, जो कि बहुत कम है पूरे वर्ल्ड में और वो बहुत एक्सपेंसिव भी है, थिंक 6 या 7 मिलियन डॉलर्स की है वो। एंड आप इनको कर सकते हो रेंट भी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा रेंट करके तो, बट बहुत एक्सपेंसिव होंगी रेंट करना इनको। एंड ये है क्रिसमस मार्केट, ज़्यादा हैपनिंग नहीं है बट यहाँ पे लोग डॉग्स बहुत ज़्यादा पालते हैं, पूरे यूरोप में देख लिया मैंने, फ्लाइट में भी कैरी कर रहे हैं हर जगह, इनको रोक लिया है पुलिस ने, अब वो चलान वलान काटेंगे और क्या। मेरे जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा पता लग गया, वो लड़ने में लगे हुए हैं उनसे, भाई स्कूटी से आ रहे थे आई थिंक हेलमेट वगैरह नहीं पहना होगा और रोक लिया। ये गलियाँ मेरे को याद दिला रही है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी की, ऐसी गलियाँ थी उसके अंदर। एंड गाइस ये मेरा का पहला मील है स्पेन का, टॉर्टियाज अभी आ रहे हैं, साथ में ये एस्ट्रेला है यहाँ की लोकल ड्रिंक है। सुबह से मैंने सिर्फ खाए हुए ब्रेजिल और अब खा रहा हूँ ये जा करके। चलो गाइस खत्म करते हैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे ही, फाइनली स्पेन आ गया और मिलता हूँ उसमें नेक्स्ट ब्लॉग में।